जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, कि हर शर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। झूठ पर झूठ, झूठ पे झूठ कहते हैं। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जी हाँ, ये बात एकदम ठीक है, बशर्ते कायनात इस तरह के काम को आपके लिए सारी उम्र भर के लिए सूटेबल पाती है। तब क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब भी आप कोई भी ऐसा काम शुरू करते हैं जिससे भविष्य में आप भी सफल लोगों की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे, या फिर कोई भी ऐसा काम जो आपकी एक परमानेंट इनकम का जरिया बनने वाला है, ऐसे काम में शुरू से अंत तक बाधाएं कुछ ज्यादा ही आती हैं और मेहनत भी उन कामों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही करनी पड़ती है जो शॉर्ट टर्म इनकम या शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाले काम होते हैं। और अगर आपने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है तो इसी वक्त एक बार इस वीडियो को आगे देखने से पहले इसे पॉज करके दो मिनट इस बारे में सोचिए कि आपको ये बात सही लग रही है या नहीं, और जब आपको ये बात सही महसूस हो तब वीडियो में आगे बढ़ जाइए। केवल इसी तरह से आपको इस वीडियो को देखने का पूरा फायदा मिल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने किसी भी काम को शुरू करने के समय भी और उस काम को करने के दौरान किसी भी वक्त ये जान सकते हैं कि वो काम सफल होगा या नहीं। और अगर काम के बीच में आपको ये आभास होता है कि काम में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उन दिक्कतों के बारे में पहले से आइडिया लगाकर उन्हें सॉर्ट आउट करके मैनेज कर सकते हैं, ताकि वे दिक्कतें काम की सफलता में बाधा ना बन सके। और अगर काम के बीच में कोई भी ऐसी स्थिति आपको महसूस होती है जिसका समाधान संभव नहीं है, तो फिर आप उस काम में अपना समय खराब करने की बजाय उसे उसी समय टर्न डाउन कर सकते हैं, ताकि आपकी मैन पावर और आपका समय बच सके, जिसे आप किसी और नए काम में लगा सकते हैं। चौंकाने वाली बातों में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में जब कोई काम शुरू करता है तो सारा का सारा यूनिवर्स, सारा एनवायरनमेंट यानी कि पूरी प्रकृति उस व्यक्ति के उस काम पर नजर रखना शुरू कर देती है। आपने सुना होगा कि ईश्वर का वास कण कण में है और वह हमें हर जगह से देख रहा है। भले ही हम उसे देख नहीं पाते तो इस बात में जरा भी झूठ नहीं है, और इसे अनुभव करने के लिए आपको किसी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। आपकी उम्र और आपके अनुभव ही आपको इस बात से एकदम सही तरीके से वाकिफ करवा देंगे। जब कभी आप अकेले में बैठकर अपने अच्छे और बुरे कामों के एनालिसिस करते हैं, पीछे जाकर जब आप देखते हैं कि उम्र के उस दौर में जब आप उन कामों में लगे हुए थे तब आपकी सोच क्या थी और अब जहां पर है, तो क्या जितना कुछ आपने उस वक्त सोचा था वह सब वैसे ही हुआ? और आप पाएंगे कि उसमें से 75% काम वैसे नहीं हुआ जैसा आपने सोचा हुआ था, बल्कि समय का एक अलग ही रूप एकदम अनजाने ढंग से सामने आया और आपकी लाइफ को झकझोर कर एक नकारात्मक परिणाम देकर गुजर गया। इस तरह की घटनाएं कभी किसी एग्जाम्स में बहुत तैयारी होने पर भी ठीक एग्जाम्स के वक्त खुद का एक्सीडेंट हो जाना, या जिसे हम जिंदगी में बहुत प्यार करते हैं उसका रिलेशन किसी और के साथ अचानक बिक जाना, और उसे बहुत समझाने पर भी उसका ना मानना, और फिर उसका आपकी जिंदगी से चले जाना, और फिर आपका खुद में पूरी तरह से टूट जाने जैसी घटनाओं से है। अगर आपको ऐसे अनुभव हुए हों तो ये समझिएगा कि ईश्वर की नजरें यानी कि ब्रह्मांड और प्रकृति ने आपको और आपके भविष्य को ठीक नहीं पाया था, और भविष्य में आपके साथ उससे भी ज्यादा खराब स्थिति आनी थी, जिसे इसने आपको वहीं पर रोककर आपकी जिंदगी बचा ली। और इस तरह से ब्रह्मांड सिर्फ व्यक्ति और उसके काम पर ही नहीं, बल्कि उस काम के उद्देश्य और उस व्यक्ति की उस काम के पीछे की मानसिकता तक परखने का काम शुरू कर देती है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ब्रह्मांड वास्तव में ये देखना चाहता है कि क्या आप सच में उस चीज के लिए, उस इच्छा के लिए और उस काम के लिए तैयार हैं या नहीं है। और इसीलिए आपको ये लगता है कि कोई आपकी परीक्षा ले रहा है। बॉलीवुड मूवी ओम शांति ओम में शाहरुख खान साहब का बोला गया एक डायलॉग मैं आपको सुनवाता हूँ। कहते हैं, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जी हाँ, ये बात एकदम ठीक है, बशर्ते कायनात इस तरह के काम को आपके लिए सारी उम्र भर के लिए सूटेबल पाती है। तब जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्रूज किया था तब मैं पूरी तरह से मैनिफेस्टेशन की अद्भुत दुनिया में खो चुका था, क्योंकि मैं ये जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था कि मैं अपने जीवन में उन चीज़ों या उन परिस्थितियों को कैसे ला सकता हूँ जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। मैनिफेस्टेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके अपने लिए चाहिए किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। यह एक साइंटिफिक और लॉजिकल टेक्निक है जो सच में काम करती है। उस कोर्स की शुरुआत में मुझे बहुत आसान लग रहा था। मैंने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू किया
लेकिन कुछ ही दिन बाद मेरे सामने कई तरह की परेशानियां आने लगी। मैंने गंभीरता से उनकी तरफ सोचना शुरू किया और तब मुझे बहुत सी ऐसी बातें पता लगी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वास्तव में मैनिफेस्टेशन में क्या महत्वपूर्ण है और ज्यादातर लोगों से इसमें गलतियां क्या और किस जगह पर हो जाती हैं। शुरुआत में जब मैंने मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस में लाना शुरू किया तो चीजें बेहतर होने की बजाय बिगड़ रही। मैं जो चाहता था बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, ये क्या हो रहा है? मैं भी सबकी तरह अपने जीवन में पैसा, दोस्त, अच्छे संबंध, खुशियां, आंधी चीजों को पाना चाहता हूं। कोई भी ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी और इम्पॉसिबल चीज नहीं चाहता हूं। मैं भी सक्सेस पाने के लिए नए अवसर चाह रहा हूं, तो इसमें मेरी क्या गलती है और मुझे बदले में ये सब मिल क्या रहा है? यहां तक कि मुझे कुछ दोस्तों से भी मेरी अनबन हो गई थी। मैं लगभग निराश हो चुका था। फिर मैंने अपने आप को कुछ टाइम दिया और कुछ दिनों बाद मुझे समझ में आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं समझ गया कि ब्रह्मांड पहले कुछ ऐसा करता है जिससे कि ये पता चल जाए कि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं या अपनी जिस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं या आप उसके लायक हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि आप सच में वह बनने लायक हैं जो आपकी इच्छा है। सच बात तो ये है कि ब्रह्मांड बहुत ही विशेष तरीके से मुझसे ये जानना चाह रहा था कि क्या मैं वास्तव में वह चाहता हूँ या सिर्फ और लोगों की तरह सपने देखता हूँ। और जब सपने हकीकत में बदलने शुरू होते हैं तो रास्ते की कठिनाई देखकर मैं भाग खड़ा हूँ। दोस्तों, आप मेरी बातों से ज़रूर कुछ समझे होंगे और अगर आपने कभी कुछ भी मैनिफेस्ट किया है तो आपके साथ ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आजकल का समय ऐसा है कि पैसा जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल हो गया है और इसलिए आजकल सभी लोग धनवान बनना चाहते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन अगर उनसे यह सवाल किया जाए कि क्या आप करोड़पति बनने के लिए तैयार हैं तो ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ, क्यों नहीं, चाहते तो हैं, लेकिन अगर इतना आसान होता तो अब तक बन नहीं गए होते। बस यहीं को एक बात समझनी है कि वास्तव में ब्रह्मांड यही जानना चाहता है कि क्या आपकी इच्छा आपके दिल के सबसे गहरे हिस्से से आती है या कि वास्तव में आप जो चाहते हैं उसके लिए हर तरीके से तैयार हैं। दरअसल शाहरुख खान साहब का वो डायलॉग एकदम सच है, ब्रह्मांड या कायनात आपको चाहिए हुई चीज को आपसे मिलाने में पूरी शिद्दत से लग जाती है अगर आप उस चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। मुझे भी ये सब धीरे धीरे समझ में आता गया। मुझे पता लग चुका था कि मैनिफेस्ट कैसे करना है और ब्रह्मांड जो परीक्षा लेता है उसका सामना कैसे करना है। इसीलिए अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे आपको बहुत ही गहराई से समझना है। दरअसल ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता है जो आप चाहते हैं, बल्कि यह आपको वह देता है जो आपके लिए आपकी सारी जिंदगी के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों, यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे और मैं इसे एक बार फिर से समझाना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड के इस उद्देश्य की भावना यह जानना नहीं है कि आप क्या चाहते हैं और जो आप मांगते हैं वह आपको नहीं मिलता, बल्कि ब्रह्मांड आपको वह बनाता है जो आप वास्तव में हैं और आपके लिए वास्तव में क्या सर्वोत्तम यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा होगा। जरा कि आप करोड़पति और धनवान बनना चाहते हैं या आप अपने जीवन के प्यार को पाने की इच्छा रखते हैं या आप अपने सपनों के घर में रहने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जब तक आप वही व्यक्ति बने रहते हैं जो आप पहले थे और उसी वाइब्रेशन पर बने रहते हैं जैसी आपकी जिंदगी की वाइब्रेशन पहले थी, तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। और यहाँ पर यह बात जान लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मांड की ये परीक्षा और आपकी लाइफ में बदलाव आपकी सारी जिंदगी चलती रहती है। कहने का मतलब है कि अगर ब्रह्मांड किसी काम या व्यक्ति को आज आपके लिए उपयुक्त नहीं पाता है, लेकिन भविष्य में आपकी सोच और काम करने के तरीके प्राकृतिक रूप से प्रभावशाली हो गए, तो उस वक्त भी आपके हर काम में नियंत्रण इसी तरह से आपके बारे में निर्णय लेता है। इसलिए अब आपको वास्तव में वह व्यक्ति बनने के लिए तैयार होना पड़ेगा जो आपकी इच्छा के अनुरूप हो। चलिए ऐसे समझते हैं कि जैसे आप कहते हैं कि आप एक धनवान व्यक्ति बनना चाहते हैं और इसके लिए आप शुरू कर दिया है। इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि धनवान बनने के इस विचार को आप अपने अंदर खूब सोच विचार करके स्थापित कर लिया है और अब मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और फिर इसके बाद आप धनवान बनने के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। हो सकता है कि कुछ ही दिन बाद आपके सामने वह खर्चे आ जाए जो आज तक नहीं आए थे या आपने सोचे नहीं थे कि इस तरह की स्थितियां भी आ सकती हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उस वक्त उन खर्चों को मीट आउट कर सके। मतलब हालात आपको यह फील करने पर मजबूर कर देंगे, आप अमीर इंसान नहीं हैं और इस तरह के रास्ते से हट जाइए। और आप उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन्हीं वजहों से मैं धनवान नहीं बन सकता। और ज़्यादातर यहीं पर सब मैनिफेस्टेशन को छोड़ देते हैं या उनके दिमाग में चलने लगता है कि यह काम नहीं कर रहा है।
क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके पास एक पैसा जा तो रहा होता है, आपकी मेहनत जा तो रही होती है, लेकिन कुछ भी रिटर्न में आ नहीं रहा हो, आप पैसे खो रहे होते हैं। या सच कहूं तो यह ठीक वह जगह है जहां अधिकतर सभी लोग गलती करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यही वह जगह है जब ब्रह्मांड यह पता लगाना चाहता है कि क्या वास्तव में आपके अंदर वह सब है जो एक धनवान व्यक्ति की सोच होनी चाहिए। क्या आप वास्तव में धनवानों की तरह काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं? आइए जानते हैं कि जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए आप कितनी और किस तरह की मेहनत करने को तैयार हैं। किस तरह की मेहनत से मेरा मतलब है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और फर्म डिटर्मिनेशन की स्थिति। जब आप किसी भी काम को करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो फिर उस काम में कोई भी बाहरी बाधा आने पर आप उससे भागने की बजाय उस समय का बेस्ट सोल्यूशन देखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इस समय हम धनवान बनने के रास्ते पर बढ़ चुके हैं और बीच में कहीं पर भी पैसे की कमी आ जाती है, तो आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति सबसे पहला काम ये करता है कि अपने दोस्तों और संबंधों का फायदा उठाता है और उनसे जिससे जो पैसा मिल सकेगा उधार ले लेगा। लेकिन गाइस, इसे पहला नहीं बल्कि इसे आखिरी रास्ते के रूप में अमल में लेना चाहिए। एक सफल धनवान होने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति में आने पर सबसे पहले अपने खर्चे कम करके उनसे पैसा बचाकर अपनी वर्तमान कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा, और इसके अलावा वो अपने काम की स्पीड को भी तब तक कुछ कम कर सकता है जब तक उससे पैसों का इंतजाम ऐसी जगह से नहीं हो जाता जो कि बिना दबाव की है। यहाँ पर मैं जिस दबाव की बात कर रहा हूँ वो आपके आंतरिक दबाव हैं। जैसे कि मान ले आपने किसी अपने ऐसे दोस्त से पैसे उधार ले लिए और आपके उस दोस्त से आपके ऐसे संबंध है कि वो आपसे कभी पैसे नहीं मांगेगा जब तक कि उसे भी कोई ऐसी ज़रूरत ना पड़ जाए। लेकिन आपको अपने ऐसे संबंधों का फ़ायदा नहीं उठाना है, बल्कि भले ही वो ना मांगे लेकिन आपके अंदर एक दबाव महसूस होते रहना चाहिए कि मुझे उस दोस्त के पैसे लौट आने हैं। इस तरह से कई और भी बातें हैं जिनके बारे में अलग से पूरा एक चैप्टर है। मेरा ख्याल है कि अब आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस टेक्निक के सेकेंड स्टेप के अनुसार आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप इन चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी इस नए रूप को जीने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि आप दावा तो करते हैं कि आप धनवान बनना चाहते हैं और यही आपका एग्जाम है। हर बार जब आप अपने जीवन में किसी भी इच्छा को पाने का निर्णय लेते हैं तो आप अपने लिए अपने जीवन के लिए एक नया विजन चुन रहे होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपको मिलता हुआ है जो आप हैं, तो जो आप चाहते हैं वह पाने के लिए आपको एक नया आप बनना होगा। और इस नया आप बनने का मतलब है कि आपको अपनी कुछ पुरानी आदतों को भी छोड़ना पड़ सकता है। अब आपको यह समझना है कि आप कैसे अपनी सोच को बदल सकते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण भी है। देखिए, जब भी जीवन में आप कुछ भी नया करेंगे तो आपके लिए आपका मन एक विद्रोही के रूप में काम करेगा। आप कहेंगे ईस्ट तो आपका मन कहेगा वेस्ट। अगर आपने कभी मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को यूज किया है तो आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में होते हैं तो चीजें और अधिक कठिन हो जाती हैं, क्योंकि आप एक ऐसी स्टेज में आना चाह रहे हैं जो वर्तमान में आप नहीं हो। हर बीतते दिन के साथ जैसे जैसे आप अपनी आदत में, अपने व्यवहार में अंतर लाते हैं, आप देखना कि आपकी पुरानी सोच कैसे मिट जाती है और अंत में गायब हो जाती है, तो यह एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। अब इस नए रूप में जीवन जीने की कोशिश करें। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंस्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि हर छोटे कदम के लिए खुद के साथ जश्न मनाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना छोटा है, बल्कि इसे इस तरह से देखिए, इसने आपके विकास की प्रक्रिया में कुछ योगदान दिया है और इसने आपको एक कदम आगे किया है। हर दिन नई सोच में थोड़ा और बढ़ने के लिए खुद को जश्न मनाने दें और छोटी छोटी सफलताओं का आनंद उठाएं। यदि आप आज एक छोटी सी चुनौती को अच्छी तरह संभाल लेने में सक्षम हैं, तो इसके बारे में खुश रहे और अपनी पीठ को थपथपाएं। अपने लिए, अपने अंदर गहराई से प्यार को महसूस करें। ऐसा करने से आप अपने अवचेतन मन में एक ऐसी प्रक्रिया को मजबूत कर रहे हैं जो आपके ट्रस्ट को सपोर्ट करती है और उसे स्ट्रांग बनाती है। जब आप अपने दिमाग में हर छोटे कदम के लिए खुद को अप्रिशिएट करते हैं तो आप अपने अंदर की उस सकारात्मक ऊर्जा को अधिक से अधिक मजबूत करते हैं जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अब आप अपने आप के एक नए वर्षन में विकसित हो रहे हैं और ब्रह्मांड इसे दिखता है। इसे महसूस कराता है कि अब आप अपने जीवन के मालिक हैं। आपको बाहरी परिस्थितियां उतना प्रभावशाली बनते जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।
मिलते हैं ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।